एक गीत मेरी तरफ से आपको दे रही हूँ, चंदन दीवाना जी सुनिएगा इसको। फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया। कौन सा? चलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग, मैंने इसीलिए सुषमा स्वराज जी का प्रसंग बीच में छेड़ा था। अभिनंदन का इस चक्र में आपको कट्टी सुना दूंगी। आपने कहा है, मैं धन्यवाद दे रही हूँ कि आपने थोड़ा इंगित किया कि श्रोता बता नहीं पाते क्या सुनना है। अच्छा लगा आपने बताया। आइए, आपकी इच्छा मैं कटपीस में पूरी कर दूंगी। सवाल में मेरे गीत को सुनिएगा। भोलेनाथ का दरबार है तो एक फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया के छुड़ा कर हाथ अपनों से। बाबूजी, गीत को सुनिएगा, शायद अच्छा लग जाए। प्रयास कर रही हूँ आपको अच्छा लग जाए। फिल्मी दुनिया वालों ने गाया, क्या चंदन दीवाना जी सुनिएगा। छुड़ा कर हाथ अपनों से चली आई मैं गैरों में, के चली आई मैं गैरों, पहन ली घुंघरू को मेरे। और ये एक बहुत अच्छे आयोजक इस कार्यक्रम में पधारे हैं, हम दोनों कलाकारों का सौभाग्य है। भैया हमारे आदमी लखा सिंह जी और भैया सुरेश बाबा जी साहू जी, आप दोनों के माध्यम से ये 501 मुद्राएं इस धुन को गाने पर ये आपने दी है। और ये एक पुष्पमाल है, मैं हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ और परमात्मा से आपके सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ। और एक मिनट का जरूर मैं अपनी तरफ से एक मिनट बात करूंगी भैया से। भैया भाई साहब, देखिए कलाकार चाहता है कि हर कलाकार का सम्मान हो, और मेरी कोई आपसे जाति दुश्मनी नहीं है, मैं तो आपको जानती भी नहीं ना आप मुझे उतना जानते हैं। और ये आप सही कह रहे हैं कि श्रोता है, पता नहीं किसको क्या अच्छा लग जाए किसका, लेकिन जब किसी महिला मंडल के बगल में 10-20 कुर्सियां इकट्ठी पढ़कर और बिना बात के ताली बजे, तब थोड़ा सा कष्ट होने लगता है। वही मुझे कहीं ना कहीं अखरा, तो मैंने आपसे कह दिया। हालांकि मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं कलाकार हूं, मुझे दुनिया भर में जाना पड़ता है, तो मेरा पहला अधिकार, मैं आपसे क्षमा मांगूंगा। मैं आपसे क्षमा मांग रही हूँ कि अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें और अपने दिल से निकाल दें बिल्कुल। और कहीं अगर थोड़ा सा भी मेरा कुछ अच्छा लग जाए तो अपना समझकर सराह दीजिएगा। और बाकी यहाँ की जनता से भी निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग तो कलाकार हैं, आज यहाँ गाएंगे कल वहाँ गाएंगे। चंदन जी, आज यहाँ गाएंगे कल वहाँ गाएंगे, सब अलग अलग तरह के अलग अलग श्रोता मिलते हैं। कुछ लोग किसी को चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखा करिए कि कलाकार सम्मान चाहता है, उसको वो मिलना चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे चंदन जी हूँ। और मैं तो ये चाहूंगी, मैंने पहले ही कहा, पहले चक्र में आपने सुना होगा, मैंने कहा था चंदन जी आप परेशान ना हो, मुझसे ज्यादा सम्मान आपको मिलेगा, क्योंकि आप हमारी नगरी में आए हैं। आप यहाँ से हाथरस मैनपुरी जाएं तो कहें कानपुर नगर बड़ा अच्छा था, उन्नाव जिला बड़ा अच्छा था, वहां मुझे इतना सम्मान मिला, तो आपको तो मिलना ही चाहिए। धन्यवाद हमारे शकरीदी भाई को, बहुत बहुत धन्यवाद है, तमाम पुरस्कार आप लोग दे रहे हैं।
हालांकि इसके हकदार हम है नहीं, सब आप लोगों की कृपा है। बस जगदीश भैया बहुत पुरस्कार हुए। और ये फिर से मूल्यवान पुरस्कार सम्मानी हमारे जगदीश बाबा जी रावतपुर क्रॉसिंग, आपकी तरफ से 501 मुद्राएं हैं। और आप लोग ऐसे आयोजक हैं जो बड़े अच्छे अच्छे कलाकारों को अपने मंच पर बुलाते हैं, तो मैं हृदय से नमन कर रही हूँ जगदीश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं नाचूंगी मैं गाऊंगी इशारों पर सितम गारों की शराब ए शराब छोड़ दी भैया। गीत तो सुनिएगा, जब आप हाथ जोड़ते हो नीचे बैठ के तो बड़े सीधे लगते हो, जब खड़े होते हो तो जहर उगलते हो। शरीफ होता जमाने में, शरीफ होता भैया से निवेदन कर रही हूँ, बाबूजी हमारे बैठे हैं, भगवान भोलेनाथ का दरबार है, मैंने तीन बातें अपने गीत में प्रयोग की हैं, तो चंदन भी आप समझ जाएंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। एक बार माँ भवानी ने पूछा कि भोलेनाथ आपने 14 रत्न निकले, बढ़िया बढ़िया चीजें बाकी देवताओं ने ले ली, किसी ने लक्ष्मी को ले लिया, किसी ने ऐरावत हाथी ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, आपको क्या पड़ी थी कि आपने जहर को चुना? भोलेनाथ ने कहा सुनो देवी, सुनो देवी, किया देवों ने अमृत तो रंगी भैया सुनिए, कहा पिया देवों ने जब अमृत तो गले तेरे नहीं उतरा, ये बात तुझे हजम नहीं, तेरे गले नहीं उतरी, गले तेरे नहीं उतरा, ये बात तेरे गले नहीं उतरी कि मैंने जहर पिया, और जब मैंने जहर पिया तो पिया मैंने हलाहल तो वो गले मेरे नहीं उतरा, वो गले मेरे नहीं उतरा, तो भवानी उस हलाहल से। चंदन भैया दुनिया कहती और मैं भी कह रही हूँ, भोलेनाथ ने जहर को पिया तो उनके गले में नीला निशान पड़ गया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। लेकिन मैंने एक पुस्तक में जो पढ़ा वहाँ नीला निशान नहीं है, जहर को पीने से कैसा निशान पड़ा सुनिए। भवानी भोलेनाथ ने कहा भवानी उस हलाहल का तभी गले पड़ गया मेरे, अब इसके दो मतलब हैं, एक वो काला निशान श्री राम भैया गले ही पड़ गया मेरे, और जब से पड़ा तब से आज तक गले ही पड़ गया, दो बातें। दूसरी जगह सुनिए, भोलेनाथ से माता ने कहा कि हे भोलेनाथ आपने गंगा को सर पर बिठा लिया, एक बात आप कह रहे थे कि गंगा को सर पर सवार नहीं किया, चढ़ी की सवार, आपने शुरू में कहा मैंने टोका नहीं आपको, आपको बता दूं माँ भवानी से पहले भोलेनाथ का विवाह गंगा जी से हुआ है, और बाकायदे भावरे हुई है, पहले
पहली पत्नी गंगा ही है, दुनिया उनको साली कहती, लेकिन साली नहीं वो पहली घरवाली है। इसलिए मैंने उस गीत में उसको गाया था, लेकिन मैंने आपको टोका इसलिए नहीं क्योंकि मैंने सोचा जितनी समझ उतनी बात करता है। चलिए दूसरी बात सुनो। भोलेनाथ ने कहा सुनो देवी गंगा को मैंने क्यों धारण किया, के सर पे गंगा को धारण कर शराफत मोल ली मैंने, के शराफत मोल ली गंगा को रखकर शराफत मैंने मोल ली। और भस्मासुर ने वरदान मांगा कि भोलेनाथ मैं जिस पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। मैंने कहा जा ऐसा होगा, मुझको क्या पता था भस्मा मेरी पत्नी को पाने के लिए मेरे ऊपर ही हाथ रख देगा। तो भोलेनाथ ने कहा के दे के वरदान भस्मा को सर आफत मोल ली मैंने, ये सर आफत मोल ली, शराफत मोल ली मैंने और सर आफत मोल ली मैंने। अब काला क्या, पहले निशान काला और देखिए काला क्या। कटासर राहु का तो फिर, कटासिर राहु का तो फिर, उसके तन का वही भाग काला, गले गले पड़ गया मैं। और मैं निवेदन कर रही हूँ, चंदन भैया से नहीं कह रही हूँ, आपसे कह रही हूँ, पहले टुकड़े में दाग काला, दूसरे टुकड़े में भाग काला, अब तीसरे टुकड़े में सुनिए। सुनिए, माता ने कहा भोलेनाथ आप ये बाघ की खाल क्यों पहनते हैं, सारे देवता इतने बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करते हैं, आप बड़े अजीब बने। तो भोलेनाथ ने कहा कहीं मृग चर्म और गज चर्म कमर है कस लिया मैंने, के कमर है कस लिया। गीत में इनसे नहीं कह रही हूं, आपसे बताई दे रही हूं, कुछ मुहावरे चल रहे हैं। जैसे शराफत मोल ली मैंने, गले ही पड़ गया मेरे, पंक्ति कह रही है नहीं गले तेरे नहीं उतरा, फिर पंक्ति कह रही कमर है कस लिया मैंने। तो पड़ा देवो पे जब संकट, तो कमर है कस लिया, कमर है कस लिया। तो अब कहा किशन अनुराग के कारण, अब क्या काला, पहले दाग काला फिर भाग काला, अब किशन अनुराग के कारण माल बनकर वही नाग काला, गले के गले के गले ही पड़ गया मेरे। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए एक छोटा सा कट पीस बिल्कुल मेरी तरफ से, और एक आपने बहुत सुंदर गीत और गाया है भैया, थोड़ा माइक बस थोड़ी देर की बात और है, ज्यादा ज्यादा एक टन और होगा, बस थोड़ा और साथ दे दीजिए तो महान कृपा होगी, आपने बहुत साथ दिया है। सुनिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
अच्छी बात कही, छुड़ा कर हाथ अपनों से चली आई मैं गैरों में। ओ छुड़ा कर हाथ अपनों से, अरे चली आई मैं गैरों में, चली आई मैं गैरों में। बहुत बढ़िया। जैसा कि भैया का आदेश हुआ था कि धुन को उतना ही गाना। मैं नाचूंगी मैं गाऊंगी, मैं नाचूंगी मैं गाऊंगी इशारों के सितमगारों के, तो शराफत छोड़ दी मैंने, अब सुनिए। हो सुनाया राग नारद ने, समय को ठीक ना देखा, समय को ठीक ना देखा। जहो क्या बात है बेटा, बहुत अच्छे। ठीक समय से राग को नहीं सुनाया नारद जी, राग अलाप रहे हैं लेकिन असमय अलाप रहे हैं। समय किसी राग का है और कौन सा राग गा रहे हैं? हुआ क्या कि वेद नगर में रागों को कोड पैदा हो गया। बहुत अच्छे। हुआ है बनी दुर्भाग्य की रेखा, बनी दुर्भाग्य की रेखा, तो हुआ रोगी लाग काला, हुआ रोगी लाग काला, हुआ तब रोगी राग काला तो बदन में, नारद के बदन में पड़ गया तब से, बदन चंदर बेटा। हेलो, कहीं कवियों की कविता में कलाकारी भी होती है? कहीं कवियों की कविता में कलाकारी भी होती है? कला कंचन के जैसी है, कलाकारी भी होती है, और चमत्कारी परोपकारी ये हितकारी भी होती है, लेकिन भूल जाते हैं वो भी तो।